लेट्स लुक एट कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल इसके अंदर ये सप्लाई चेन के ऊपर है और प्रोडक्शन प्लांट है उधर से पूल एरिया में मटेरियल जाता है और पूल एरिया से ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है uh, हर पॉइंट जो है सप्लाई चेन का जो पॉइंट है उस उधर कुछ टाइम स्पेंड होता है एंड द टाइम जो है दैट इज बेसिकली लेट टाइम आप कह लें वो कांस्टेंट नहीं है वो उसके अंदर वेरिएबिलिटी है उसके अंदर थोड़ा सा प्लस माइनस है तो उस बेसिस के ऊपर हमने देखना है कि इसको हम किस तरह कैलकुलेट करें जो डिमांड है वो हमने डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड को लेकर चलना है और उस बेसिस के ऊपर लीड टाइम हमने डिटरमिन करना है और हमने फिर उसको कैलकुलेशन करनी है उसकी कि ये इधर क्या क्वांटिटी क्या होगी और रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा एंड सो ऑन सो फोर फोरकास्ट डिमांड जो है डिस्ट्रीब्यूटर की वो है हंड्रेड यूनिट्स पर डे सो दिस इज डेली डिमांड विद द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डेली डिमांड इज टेन यूनिट और इसके बेसिस के ऊपर हम ने ऑर्डर प्लेस करना है कि रीऑर्डर पॉइंट हम क्योंकि मैथड यूज़ कर रहे हैं तो उसको अवेल्युएट करना है कि रीऑर्डर पॉइंट मैथड जो है उस बेसिस के ऊपर रिओडर पॉइंट क्या आ रहा है और ऑर्डर क्वांटिटी हम क्या उसमें कंसिडर कर रहे हैं बेसिकली जो आर, इसका स्कीमेटिक डिज़ाइन है वो नेक्स्ट न्यू स्लाइड्स के अंदर होगा वो शो करूंगा मैं और इसके अंदर जो बाकी डेटा है दैट इजो दैट इज होल्डिंग कॉस्ट जो है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट दैट इज टेन परसेंट पर यर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज टेन डॉलर्स पर ऑर्डर यूनिट प्राइस और यूनिट कॉस्ट इज फाइव डॉलर पर यूनिट एंड इन स्टॉक प्रॉबिलिटी ड्यूरिंग लीड टाइम इज पॉइंट नाइन नाइन इसको यूज करके हमने पॉइंट नाइन नाइन के अगेंस्ट जी की वैल्यू देखनी है और फिर उसके अगेंस्ट लॉस uh, फंक्शन की वैल्यू देखनी है और उसके हिसाब से हमने फिर सारी कैलकुलेशन uh, करनी है तो ये हम आगे स्टेप में ये करते हैं